आप कर रहे हैं। नहीं, धरने वाले तो कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि धरने वाले कह रहे हैं हमें आर्मी ने इस्तीफा लेकर दिया है जायद अहमद का। भरत जी, अगर इस बारे में कोई ISPR की तरफ से कोई खबर या ट्वीट आया है तो मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम कर लूंगा, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन और वेरिफिकेशन के मुताबिक इसमें रोल एक ही आदमी का बनता है और उसका नाम ही है शहबाज शरीफ है। अच्छा, शहबाज शरीफ ने यह इस्तीफा दिलवाया है। अब वो जो लफाफे बांटे गए, बिल्कुल बावर्दी जनरल साहब ने लफाफे बांटे, वो भी इसी मुआहदे और इसी किरदार का तसलसल था जो इसका इस मुआहदे में जिक्र है। देखे मतीउल्लाह जान, ये मुआहदे में एक पैराग्राफ दे के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खामखा इस मामले में जो है वो यानी घसीटना, और इसके बाद फिर मेजर जनरल साहब के वहाँ पे दस्तखत करना, और उसके बाद ये लफाफे बांटने वाली बात, ये आप मैं यकीन करें कि मैं तमाम तर रिजर्वेशन के बावजूद मैं इस बात को समझने से जो है वो कासर हूँ। यानी ये काम जो है, ये जनरल साहब को अगर ये करना ही था तो उनको करने की क्या जरूरत थी? ये तो उनका कोई बटमैन जो है वो जाके तो उनको अपना दे देता, वो तकसीम कर देते। ये मुझे बात जो है, ये अब मुझे नहीं पता कि इस वीडियो के मुतल्लक क्या मौकफ है कि ये दुरुस्त है या ये कोई ऑडिटिंग की गई है, क्योंकि आजकल ऑडिटिंग का भी बड़ा जमाना है। राणा साहब, आप चाह रहे हैं कि फौज का